क्लास थी के प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी एक नया चैप्टर, वो भी बिल्कुल हिंदी में। सॉल्व कराऊंगी सारे बुक एक्सरसाइजेस, तो ज़रूर वॉच करेंगे सक्सेना ट्यूटर्स की ये न्यू वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। क्लास थ्री चैप्टर थ्री बेस्ट फ्रेंड्स। बेस्ट फ्रेंड्स क्या होते हैं? चैप्टर शुरू करने से पहले इसका टाइटल समझना बहुत ज़रूरी है। बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं पक्के मित्र, चाहे वो दोस्त जानवर हों, चाहे वो दोस्त ह्यूमंस हों। नाउ इन दिस चैप्टर दोज बेस्ट फ्रेंड्स आर शेप्स। शेप्स आपसे पढ़ने हैं ना क्लास वन में टू में, शेप्स ये हैं। जी हाँ, ये हैं चारों शेप्स जिनकी बातें इस चैप्टर में होंगी। ये है रेक्टेंगल, ये है सर्कल, दिस इज स्क्वायर एंड दिस इज ट्राइंगल। दिस आर फोर फ्रेंड्स एंड दे आर बेस्ट फ्रेंड्स इन द चैप्टर। चलो शुरू करते हैं। देयर वर फोर फ्रेंड्स, सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल। एक समय की बात है, चार मित्र थे, चार दोस्त थे जिनमें जिनके नाम थे या जो थे स्क्वायर, सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल। एक दिन, वन डे, देयर बिगेन अ फाइट बिटवीन द फ्रेंड्स। एक दिन उनके बीच एक लड़ाई हो गई। ईच ऑफ देम सेड दे वर द बेस्ट। हर कोई कहने लगा, भैया मैं ही सबसे बेस्ट हूँ। बेस्ट होता है सर्वोत्तम, सबसे बढ़िया, चारों में मैं ही सबसे बढ़िया हूँ। ऐसी लड़ाई छिड़ गई। सबसे पहले सर्कल महाराज बोले कि भाई सुनो, आई एम द बेस्ट, मैं सबसे बढ़िया हूँ, मैं सबसे बेहतरीन हूँ, क्योंकि आई एम राउंड एंड ब्यूटिफुल, मैं गोल हूँ और सुंदर हूँ। आई हैव नो शार्प एजेस, मेरे पॉइंटेड नुकीले कोने नहीं हैं, कॉर्नर्स नहीं हैं, एजेस नहीं होते ना। सर्कल हैज़ नो एजेस। चिल्ड्रन यूज मी टू ड्रॉ अ स्माइलिंग फेस। चिल्ड्रन मुझसे स्माइल मेरे को ड्रॉ करके स्माइलिंग फेस बना लेते हैं, जैसे वो इमोजी बन जाती है ना। तो वो कह रहा है कि बच्चे मेरी शेप से इमोजी बना लेते हैं। देयर वर सो मैनी ब्यूटिफुल थिंग्स इन माई शेप, आई एम द बेस्ट। और मेरे शेप में कई बहुत सारी ब्यूटिफुल चीज़ें बनी हुई हैं, तो इसलिए मैं बेस्ट हूँ। बात तो सही कह रहा है, कोई गड़बड़ तो नहीं है बात में, सारी बातें सच्ची हैं। लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। ये देखो कितनी सारी चीज़ें सर्कल की शेप में हैं। तो वो कह रहा है भाई मैं ही बेस्ट हूँ। अदर शेप्स रिफ्यूज टू एग्री। रिफ्यूज माने मना कर देना, डिसअग्री। जो दूसरे शेप हैं वो मना कर देते हैं ये बात मानने के लिए कि सर्कल सबसे बेस्ट है। इतने में ही स्क्वायर जी आते हैं। स्क्वायर क्या होता है? जिसके फोर साइड्स इक्वल होते हैं। और वो कहते हैं भाई सुनो, आई एम द बेस्ट, मैं सबसे बेहतरीन हूँ। आई हैव फोर साइड्स, मेरी चार साइड्स होती हैं और मेरी चारों साइड्स इक्वल साइज़ की होती हैं। और बच्चे चिल्ड्रन ईट मैनी स्वीट्स विच आर स्क्वायर इन शेप। और बच्चे ऐसी कई मिठाइयाँ खाते हैं जो स्क्वायर शेप की होती है। आई लुक वेरी ब्यूटिफुल, मैं बहुत देखने में भी बहुत सुंदर लगता हूँ। सो आई एम द बेस्ट, स्क्वायर शेप जी कहते हैं भैया देखो मेरी चारों साइड भी बराबर हैं, देखने में भी बढ़िया लगता हूँ। और बच्चे कई चीज़ ऐसी खाते हैं जो मेरे शेप की होती है। ये दी देखो, काइट हो गई, गिफ्ट पैक हो गए, कुछ पेपर बैग्स हो गए, कुछ एनवलप्स हो गए। तो वो कह रहा है मैं सबसे बेस्ट हूँ। अब तीसरा दोस्त सुन रहा होता है और वो होता है जी एक ट्रायंगल। ये रहा, तो ये साहब बोलते हैं इन अ लाउड वॉइस, ज़ोर से बोलते हैं, आई एम द बेस्ट, मैं हूँ सबसे बेहतर। जस्ट लुक एट मी, मुझे देखो, आई एम सो ब्यूटिफुल, मैं कितना सुंदर हूँ। आई हैव थ्री साइड्स, मेरी तीन साइड्स हैं। चिल्ड्रन यूज मी टू ड्रॉ माउंटेन्स, बच्चे मुझसे माउंटेन बनाते हैं। माउंटेन ऐसे ऐसे बनाते हैं ना, उसको बोल रहा है ठीक है, उसको बोल रहा है। दे इन्जॉय मैनी यमी स्नैक्स इन माई शेप, वो मेरे शेप की कई यमी चीज़ें खाते हैं। सो आई एम द बेस्ट, इसलिए मैं बेस्ट हूँ। क्या क्या खाते हैं देखो, ये तो होगा मेरी वाटरमेलन की स्लाइस, और ये होगा मेरी पेस्ट्री की स्लाइस, ये अम्ब्रेला, फ्लैग, ये एक पत्ती है। तो कह रहा है देखो भाई, मेरे पास तीन साइज़ होती हैं और बच्चे मुझे माउंटेन बनाने में यूज़ करते हैं, और मैं कई यमी स्नैक्स भी होता हूँ, मेरे शेप में होते हैं, तो भाई मैं सबसे बेटर हूँ। तो भाई तीनों में तो हो गई है भिड़ंत। अब चौथे देखते हैं क्या कहते हैं महाराज। लिसनिंग टू अदर फ्रेंड्स, रेक्टेंगल लाफ्ड अलाउड। और सब दोस्तों के बारे में सुनकर, दोस्तों की बातें सुनकर, जो हमारे रेक्टेंगल जी होते हैं वो ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं। ऑफकोर्स नॉट, अरे भाई बिल्कुल नहीं, तुम कोई बेस्ट बेस्ट नहीं हो रे। नो वन कैन बी बेटर देन मी, मेरे से बेहतरीन कोई हो ही नहीं सकता। आई हैव फोर साइड्स, मेरी चार साइड्स हैं।
टू आर इक्वली लॉन्ग, दो तो बड़ी बड़ी सी हैं भाई सब बराबर बराबर की, एंड टू आर इक्वली शॉर्ट, और दो छोटी छोटी हैं भाई अपोजिट वाली। आई लुक सो ब्यूटिफुल, मैं कितना ब्यूटिफुल दिखता हूँ। चिल्ड्रन एंजॉय बिस्किट्स एंड चॉकलेट्स इन रेक्टेंगल शेप, बच्चों को रेक्टेंगल शेप की 5 स्टार, रेक्टेंगल शेप का बॉनबॉन बिस्किट और बहुत सारी अदर चॉकलेट्स एंड बिस्किट्स पसंद है। दे ऑल्सो यूज़ सो मैनी थिंग्स इन माई शेप, वो मेरी शेप की और बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। आई एम द बेस्ट सेट द रेक्टेंगल, इसीलिए भाई मैं बेहतरीन हूँ। देखो सब अपनी अपनी अच्छी क्वालिटीज़ बता गए और सब बता गए कि बच्चे उन्हें क्यों लाइक करते हैं। अब आपको याद रखना है, ठीक है? तो रेक्टेंगल जी भी अपनी बात कह गए, तो चारों दोस्तों ने अपनी अपनी बात रख दी, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन बेस्ट है। द फ्रेंड्स कुड नॉट डिसाइड हु वॉज द बेस्ट अमंग देम, अमंग यानी इन चारों में। दे डिसाइडेड, उन्होंने ये निश्चय किया टू आज द फर्स्ट पर्सन दे मीट, कि चलो रास्ते में चलते हैं और रास्ते में जो पहला इंसान मिलेगा ना भाई सब उसी को पकड़ लेंगे और उससे पूछेंगे बता भाई हम में से बेस्ट कौन है। तो दोनों हाथ चारों हाथ पकड़ के चल दिए। अब जाते जाते उन्हें एक स्टार मिला, दे मेट अ स्टार, दे स्टॉप्ड हर, उन्होंने उसे रोका, लगता है ये लड़की थी, एंड टोल्ड हर ऑफ देयर फाइट्स, और इन्हें इसे अपने लड़ाई झगड़े के बारे में बताया। दे आज हर टू डिसाइड हु वॉज द बेस्ट अमंग देम, उन्होंने उससे कहा भाई स्टार तुम डिसाइड करो कि हम में से सबसे बेहतरीन कौन है। द स्टार वॉज वाइज, स्टार जो थी वो बहुत समझदार थी। शी लुकड एट ऑल ऑफ देम, उसने उन चारों को देखा। शी थॉट फॉर अ वाइल, उसने थोड़ा सोचा। देन शी सेड, फिर उसने बोला ऑल ऑफ यू आर फ्रेंड्स, देन वाई शुड यू फाइट, तुम चारों तो दोस्त हो तो फिर तुम क्यों लड़ रहे हो। लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, मैं तुम्हें एक काम की ज़रूरी बात बताती हूँ। डू नॉट नो वॉट यू कुड डू इफ़ यू वर टुगेदर, तुम्हें पता है, डू यू नो, तुम जानते हो कि अगर तुम लोग एक साथ होगे तो तुम कितना कुछ कर सकते हो। यू कुड क्रिएट द मोस्ट ब्यूटिफुल पिक्चर्स एंड पैटर्न्स, तुम्हें एक साथ मिलकर कितनी अच्छी एक सीनरी, एक पैटर्न, एक डिज़ाइन, कुछ भी चीज़ें बना सकते हो, एक पिक्चर जिसमें ये सब हो, ठीक है। जस्ट लुक अराउंड, चलो चारों तरफ देखो, वी फाइंड अमेजिंग डिज़ाइंस एंड थिंग्स इन ऑल द शेप्स, हमें कितने ब्यूटिफुल डिज़ाइन और शेप में अलग अलग चीज़ें दिखती हैं। सो स्टॉप फाइटिंग टुगेदर, वी ऑल कैन क्रिएट वंडर्स, तो अब लड़ना झगड़ना बंद करो, तुम चारों ही बेहतरीन हो और सबसे बेहतरीन तब हो जब तुम एक साथ हो। तुम तो वंडर्स, तुम तो चमत्कार कर सकते हो, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हम अपने अराउंड देखते हैं वो किसी न किसी शेप में तो है ही ना, तो चारों मिलके कितनी सारी चीज़ें बना सकते हैं। सो यहाँ पे कुछ चीज़ें भी दी हुई हैं। तो वाइज से स्टार ने उन सबको बताया कि वो लोग कितने इम्पॉर्टेंट हैं अगर वो एक साथ हैं, और वो कितना वंडर्स, कितना चमत्कार कर सकते हैं। द फ्रेंड्स रियलाइज देयर मिस्टेक्स, रियलाइज माने महसूस करना, तो दोस्तों ने अपनी अपनी गलतियों को माना और वादा किया, प्रॉमिस ईच अदर, एक दूसरे से वादा किया दैट दे वुड नेवर फाइट अगेन, कि वो आगे से कभी नहीं लड़ेंगे। दे रिमेन बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर, और वो हमेशा के लिए पक्के मित्र बन गए, पक्के दोस्त बन गए। तो कैसी थी कहानी, बढ़िया थी ना? थम्स अप कर देना वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी इसी चैप्टर की क्वेश्चन आंसर्स एंड बुक एक्सरसाइजेज। टिल देन बाय बाय।